उमर और सना हमारे भाई के बच्चे थे जो के जिनका ब्लड डिजीज़ से और लिपिड स्टोरेज डिजीज से इंतकाल हुआ, हमारे साथ छोड़ गए बच्चे। उनकी याद में डॉक्टर काशिफ अंसारी और उनकी मिसेस अमरीन काशिफ ने हमारे साथ मिलकर एक इदारा बनाया है, और इस इदारे का मकसद ये है कि वो बच्चे या वो माँ बाप के जिनके बच्चों को खून की बीमारी हो गई है, तो अगर उनको ये बीमारी हो गई है तो एक तो काम ये किया जाए कि आइंदा उनके इस तरह के बच्चे पैदा ना हो, यानी प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेरे सबके। और जो बच्चे आ गए हैं दुनिया में उनके लिए जो अच्छाइयाँ हम कर सकते हैं, उनको खून लगाना, उनकी दवाइयों का बंदोबस्त करना, जिस हद तक जो हमारी अस्तात है क़ुव्वत है उसमें उनकी मदद के लिए आगे बढ़े। तो 350-400 बच्चों की जिम्मेदारी है खून लगाने की, दवाइयाँ देने की, जो मैं सरकार कर रही है। पिछले 10 साल से ये इदारा काम कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह शहर में कानून बनवाना था थैलेसीमिया का शादी से पहले, मैसना के एक अहम संग मील है इस मुल्क के लिए, जो मैं सना ने सर अंजाम दिया है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस बीमारी के प्रिवेंशन के लिए ना सिर्फ, बल्कि इसको मुल्क से ख़त्म करने के लिए, और जो बच्चे आ गए उनकी खिदमत करने के लिए मैं सना काम करें, और नौजवान और वो लोग जो आगे बढ़ के इस इदारे की मदद करना चाहते हैं आगे बढ़ें, और ख़ास तौर पे अपने हाथ पैर से इस इदारे की मदद करें, अपने ब्लड डोनेशन से इस इदारे की मदद करें, ताकि हम किसी बच्चे को इसलिए वापस ना भेजें कि ब्लड मौजूद नहीं है या उसके पास पैसे नहीं। और मैं सना फाउंडेशन को बनाने का मकसद ही ये था कि वो लोग जो कि जिनकी अस्तात नहीं हैं इलाज करने के, उनको हम जिस हद तक भी सपोर्ट कर सकते दवाइयों की मद में, खून की मद में, उनकी सपोर्ट की जाए। उसके बाद वो बच्चे जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है, और जिससे इस बीमारी को, थैलेसीमिया की बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है जड़ से हमेशा के लिए, उनको हम यहाँ पर एनआईवीडी की सहूलियात हम इस्तेमाल करते हैं उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए। चुनांचे मेरा मुखिया हज़ार से दरख्वास्त है कि आगे बढ़ें और उमर सना के हाथ मजबूत करें, और इन बच्चों की ज़िम्मेदारी लें, और इन बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की मद में, ब्लड डोनेशन की मद में, किसी भी मद में, दवाइयों की मद में इनकी मदद करिए, ताकि इनके माँ बाप जो कि ऑलरेडी एक तकलीफदेह अमल से गुजर रहे हैं सालों से, अब उनकी ज़िंदगी में सुकून आए, और कम अज़ कम उनके खून लगाने की ज़िम्मेदारी, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़िम्मेदारी मैं और आप उठाएँ। उमर सना की वेबसाइट पर हमारे ई मेल एड्रेसेज, हमारे फ़ोन नंबर्स, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स मौजूद हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और आप किसी भी बच्चे की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, और हम उस बच्चे का डायरेक्ट कांटेक्ट आपसे करा देंगे कि उसको ब्लड लग रहा है, उसको दवा मिल रही है, या उसके ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो गया है और बच्चा ठीक हो गया है हमेशा के लिए इंशाल्लाह। बिल्कुल बच सकते हैं अगर आप शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट कर लें, ख़ासतौर पर मर्द हज़रात के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि मर्द हज़रात में इस टेस्ट में कि नेगेटिव अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, औरतों में ये कि अगर बीमारी है भी तो टेस्ट में नेगेटिव आ सकता है, मर्दों में क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होता, तो अगर ये बीमारी है तो लाजमी ज़ाहिर हो जाएगी। और अगर मर्द को थैलेसीमिया माइनर नहीं है, औरत को भले हो भी तो बच्चे को नहीं हो सकता, तो ख़ास तौर पर मर्दों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि शादी से पहले लाजमी थैलेसीमिया का टेस्ट कराएं, और अगर मर्द थैलेसीमिया माइनर है तो फिर उसके होने वाली बीवी का भी थैलेसीमिया का टेस्ट होना चाहिए। और यही सिंध गवर्नमेंट का कानून हमने यहाँ पे बनाया है अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला, कि जी हर शादी से पहले मर्दों का पहले टेस्ट हो थैलेसीमिया, अगर उनको माइनर है तो उनकी बीवी का भी हो वरना नहीं।